चारों तरफ एक अलग ही माहौल बना हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ फूल बरसाए जा रहे हैं। अमित शाह को लेकर चारों तरफ फूल की बरसात हो रही है और साथ ही एक अलग सा माहौल बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ढोल ताशे के साथ अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है और इस रोड शो को एकदम भव्य बनाया जा रहा है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। चारों तरफ आम लोग नरेंद्र मोदी के नारे लगाते दिख रहे हैं। समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा और ये काफी भव्य बनाया हुआ जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से फिर एक बार मोदी सरकार का बैनर लगा हुआ है और चारों तरफ यहाँ पे महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इस रोड शो में हिस्सा लेते दिख रही हैं। वहीं अगर हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि चारों तरफ एक अलग सा माहौल बना हुआ यहाँ दिख रहा है और महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते दिख रही हैं। और अभी हम लोग ठाकुरवाड़ी रोड में मौजूद हैं। अभी यहाँ से बुद्ध मूर्ति से ठाकुरवाड़ी रोड की ओर बढ़ाया और अब ये शोभा यात्रा सीधे ये रोड शो अब गांधी मैदान की ओर बढ़ने जा रहा है। काफ़ी उल्लास और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पे समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में। और जिस तरह की अभी की स्थिति है उसे देखकर साफ जाहिर होता है कि ये रोड शो काफ़ी ऐतिहासिक बनने वाली है। चारों तरफ एक मोदी की लहर उठ गई है और कहीं ना कहीं इस रोड शो के माध्यम से अमित शाह डायरेक्ट इनडायरेक्टली शत्रुघ्न सिन्हा पे वार कर रहे हैं। वहीं रविशंकर को जिताने की पूरी तैयारी हो रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से कल शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि अगर बिहारी बाबू को अमित शाह बिहार में आकर अगर औकात दिखाएंगे तो आम जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, लेकिन आम जनता का काफी सपोर्ट अभी अमित शाह के साथ देखने को मिल रहा है। और जिस तरह की अभी लहर देखी जा रही है उसे साफ लगता है कि काफी कुछ बदलने वाला है। और इस रैली के माध्यम से ये लोग ये भी दिखाना चाह रहे हैं, जो कि बीजेपी का हालांकि कहना था कि इस रोड शो के माध्यम से हम अपने ऑपोजिशन को ये दिखाना जरूर चाहते कि हमारे साथ कितने वोटर समर्थक, कितने जनता मर्थक, कितने समर्थक हमारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये रैली और ये जो रोड शो है ये शत्रुघ्न सिन्हा पे कहीं ना कहीं कितनी मुश्किल आप बनती है। और अमित शाह का इस रोड शो का क्या परिणाम होता है इस इलेक्शन में जो आने वाला है और पटना साहिब पे क्या कुछ होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब देखना ये भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा को रविशंकर प्रसाद मात देते हैं कि नहीं और इस रोड शो का कितना जोरदार असर इस चुनाव पे पड़ता है। मैं धीरज कुमार, कैमरा पर्सन राकेश के साथ सनमार्ग लाइव पटना।